सुरैया दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है। हाँ धोती है, खोलो मरना मैं तोड़ दूंगा इसे। खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। मामा ठीक है? दरवाजा नहीं खोल रही क्या? जिद पर अड़ी है, ना दरवाजा खोल रही है ना जवाब दे रही है। हटो तुम। अम्मी जान, अम्मी प्लीज दरवाजा खोले, मैं हूँ। मामा अगर अपने बेटे को जवाब नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये मामला सीरियस है। आप किस किस्म के आदमी हैं? कैसे बाप हैं आप? तुम होश में तो हो? जिंदगी भर आपने हमसे ये नहीं पूछा कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। आपने कहा इस खानदान में पहले ही फैसले हो चुके होते हैं। आपने हमें ऐसी चीजें करने में मजबूर किया जो हम कभी नहीं करना चाहते थे। क्या आपको एहसास है कभी आपने खुद फॉलो किया? हाँ, आपका जो दिल करे वो कर सकते हैं आप। मतीन साहब नजायज ताल्लुकात रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जिस औरत के साथ उनके नजायज ताल्लुकात है उससे बच्चा भी चाहते हैं वो। क्यों नहीं, कौन रोक सकता है उन्हें? चिल्लावत बाबा को इल्जाम मत दो फौरन। बाबा के पास कुछ होगी वजह था, है ना बाबा? तो क्या बकवास कर रही हो? उन्होंने किसी और औरत से बच्चा पैदा कर लिया और उस औरत ने सबको जाके बता दिया। तुम किसकी वजाहत की बात कर रही हो? इसका मतलब मैंने सही सुना था। क्या ये सच है बाबा? चलें बताइए अपनी बेटी को, बताए ना अब, बताइए ना आपने हमें कैसे मायूस किया है, बताइए ना। बस बात हुआ, तुम पूछोगे मुझसे? तुम होते कौन हो? तुम मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज हो, ये बात मत भूलो। वहाँ और यहाँ में कोई फर्क नहीं है, वहाँ भी मेरा ही हुक्म चलता है और जहाँ भी मेरा ही हुक्म चलेगा। हद में रहो। और तुम मैडम, तुम्हें पॉकेट मनी कौन देता है? क्या आसमान से उतर कर आते हैं तुम्हारे बैंक में पैसे? इसलिए अपनी हद में रहो और अपने बड़ों के मामले में हर किस्मत बोला करो। इस घर में कोई भी मेरे साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकता है, अच्छी तरह समझ लो तुम लोग। बाबा पुलिस को बुला ले, यहाँ इतना हंगामा हो गया और वो दरवाजा नहीं खोल रही, कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा लिया। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद देखता हूँ। अम्मी मैं आ जाऊं? तुम नहीं। ठीक है मैं अंदर आ रहा हूँ। नहीं तुम भी नहीं, जानसू को भेजो मेरे पास। मुझे बुलाया है? दरवाजा बंद करो। अम्मी जान मुझे बहुत अफसोस है, मुझे मालूम था इस औरत का, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ तक पहुंच जाएगी। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सब आपके साथ हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं आपके साथ हूँ। तुम? जी हाँ अम्मी, आप जो कहेंगी मैं करूंगी, आप परेशान ना हो बस। जो मैं कहूंगी? जी हाँ ठीक है, तो वक्त पीछे पलट दो। मैं समझी नहीं। वो सब कुछ, वो औरत, वो नाजायज बच्चा, सब कुछ तुम्हारी वजह से है। क्या मतलब मेरी वजह से? तुम्हारा बाप दूसरी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात रखता है। तुम सबको लगता है कि हम हमेशा से ऐसे थे, तुम्हारे आने से पहले तक। अम्मी ये हकीकत है, छुपाने वाली बात नहीं। जिस दिन तुम पैदा हुई तुम्हारा बाप ये घर छोड़ के चला गया, और जब कुछ दिन बाद लौट के आया तो हम दोनों जानते थे कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता।
तुमने सालों मुझसे क्या कहा? अम्मी सब कुछ पैसा ही है क्या? सब कुछ दौलत शोहरत ही है क्या? अम्मी 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 तुम्हें पता है तुम्हारे बाप ने मुझे ये कब दिया था? उस हफ्ते घर लौटने के बाद, रिश्वत के तौर पर। इसकी कहानी जानना चाहोगी? जब निशल से अफेयर का पता चला ही उस वक्त दिया। उसके बाद मुझसे माफी तक नहीं मांगी तुम्हारे पापा ने, उल्टा ये दिया मेरा मुंह बंद करने के लिए। ये सब दिया उसने मुझे रिश्वत पर। देखो इसे, ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं और इस शादी को बरकरार रख सकूं। जब भी तुम्हारा बाप मिशेल के साथ पार्टी में जाया करता था या अचानक गायब हो जाता, तो ये सारे गिफ्ट्स मेरे पास आ जाया करते थे। जानते हो क्यों? ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं और सर झुका दूं। मुझे माफ कर दे, ये मेरी वजह से हुआ। और तुमने क्या किया? मुझे वो सब पहने देख के बेइज्जत किया, हमेशा बुरा कहा और ताने दिए मुझे। लेकिन अगर तुम हमारी जिंदगी में नहीं आती तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आपने यहाँ मुझे इल्जाम देने के लिए बुलाया है? इधर देखो, देखो मुझे, ताकि तुम्हें पता चले कि सुरिया कोरन के किस तरह से जगहसाई हो रही है। दो कौड़ी की इज्जत कर दी है लोगों ने मेरी, और तुम देखो कि तुम कितनी मनुष्य हो। छोड़े मुझे जाने दे। जानसु रुको। छोड़ दे मुझे। तुम्हें क्या कहा अम्मी ने? क्या लगता है क्या कहा होगा? बचपन से हर चीज की, हर गलती की वजह सिर्फ मैं ही बनी हूँ। और आपको क्या लगता है उन्होंने क्या कहा होगा मुझे? हाँ बताए मुझे। वो गुस्से में है, इस वक्त ऐसा नहीं कहा होगा। आप किसे बहला रहे भाई? जैसे उन्होंने पहली दफा कहा है, बचपन से ही हर चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार नहीं हूँ क्या? और क्या इसीलिए मुझे बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजा गया? क्या इसीलिए मुझे इस घर से दूर नहीं रखा गया था? ठीक है, ये बात लंबी हो गई है, तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना, मैं बात करूंगा अम्मी से। चलो ना, खामोश रोने देना भाई मुझे। अब ख्याल आ रहा है आपको अपनी बहन का? हाँ, और इस वक्त कहाँ थे आप जब मैं लालते खा के बड़ी हो रही थी? आप कहाँ थे जब मुझे इस घर से भेजा जा रहा था? और अब चले आप अपनी बहन की मदद करें। हाँ हाँ, ये देखे, अब इसकी भी जिम्मेदार मैं ही होंगी। और क्या, अगर ये टूटा ग्लास देख ले तो फिर किसमें खफा होंगी, किसे इल्जाम देंगी? हाँ मुझे बताएं, क्या मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हूँ? जानसु, मैं आज तक अपने मसलों में तुम्हें भूला हुआ था, मैं जानता हूँ। अब अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा, मैं वादा करता हूँ। रोना बंद करो ना प्लीज। नहीं, मैं उस बात पे नहीं रो रही हूँ, मुझे आदत हो गई है, बस किसी और बात पे रो रही हूँ।